ये काऊ के लिए और बफेलो के लिए बहुत काम की चीज है। गाय के नीचे डालने के बाद में इसमें पानी नहीं रहता है, पानी रहने नहीं रहता, इसके लिए गाय आराम से बैठती है। गाय आराम से बैठती है तो जुगाली अच्छे से करती है और दूध में भी बढ़ोतरी होती है। जैसे अपने को गद्दे लगते हैं तो उसको भी गद्दे लगते हैं, तो गद्दे से आराम से वो सो पाएगा, बैठ पाएगा। जितना ज्यादा गाय बैठेगी खाने के बाद में तो वो जुगाली करेगी और फिर उसमें डाइजेशन सिस्टम जो बोलते हैं अपन, वो अच्छा हो जाएगा, तो फिर उसका दूध में बढ़ोतरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जिस तरह टेक्नोलॉजी के वाधा हों जा रहा, उस तरह ही कई चीज़ा ने जिहड़ियां उह नवीं देखण नूं मिलदियां। इस समय जगराओं के पी डी एफ दे विच मौजूद आ, ते बहुत सारे लोग इत्थे अपने प्रोडक्ट्स लैके आए ने किसानी दे नाल संबंधित, चाहे वह डेयरी फार्मिंग होवे, चाहे फसलों की जिहड़ी बिजाई की होवे, चीज़ खाद हो गए, बहुत तरह दियां इदां चीज़ा ने लोग इत्थे लैके आए, तो बहुत नवीं चीज़ा इत्थे देखण नूं मिल रही। तो असीं इक स्टॉल ते मौजूद हाँ जिथे एक किस्म का सानू मैट देखने को मिलिया, पिछे तस्वीर तुहानू पहला दिखाने, फिर वो मैट भी दिखाने, तुहानू पहला तस्वीर दे विच समझाने की कोशिश करते हैं कि यह काउ केयरिंग मैट है, अपने पशु की केयर करने वाला मैट है। तो इसका नाम रखा हुआ मिल्क मेट रबर मैट, मतलब इसका ये दावा करते हैं कि जेकर तुहाडा पशु इस मैट पर रखांगे, इस मैट पर वो जेकर सोएगा या खड़ेगा या बैठेगा तो उस दुध देने की जिहड़ी है क्वांटिटी वह वध जाएगी, पशु जिहड़ा वह दुध वध देगा। जिस तरह इच इन्होंने पोस्टर ते जिहड़ा समझाउण की कोशिश की हुई है, नीचे वो मैट विछाया भी होया, तो जिहड़ा भी पशु इस मैट ते पएगा उस नूं जिहड़ा दुध देने की उहदी कपैसिटी जिहड़ी है वधेगी, जिस तरह पिछे तस्वीर दे विच भी देखण नूं मिल रहा। तो इस कंपनी के मुलाजम भी साढ़े नाल ने, आ मैट दियां तस्वीरां असीं तुहानू दिखा रहे सीगे। भैया ये किस काम को आता है मैट, जैसे आपने पीछे लिखा हुआ है कि जैसे काऊ केयरिंग मैट है, किस काम के लिए? ये काऊ के लिए और बफेलो के लिए बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि जैसे गर्मी में और सर्दी में वो दोनों भी मतलब 12 महीने वो यूज होता है, वो गाय के नीचे डालने के लिए रहता है। गाय के नीचे डालने के बाद में इसमें पानी नहीं रहता है, पानी रहने नहीं रहता, इसके लिए गाय आराम से बैठती है। गाय आराम से बैठती है तो जुगाली अच्छे से करती है और दूध में भी बढ़ोतरी होती है, तो इसके कारण ये यूज होता है। जैसे नॉर्मल देखा जाए तो किसी के भी जो जहाँ किसी ने पशु रखा हो वहाँ नहीं ऐसा कोई मैट रखा होता, कच्ची जमीन होती है, जमीन होती है, खड्डे रहते हैं या फिर कॉन्क्रीट किए रहते हैं, तो कॉन्क्रीट के ऊपर पानी गिरने के कारण पशु बैठता नहीं है, वहाँ पे गीला रहता है तो पशु बैठता नहीं, इसके कारण ये डालने के बाद में पशु उसके ऊपर बैठेगा तो आराम से, जैसे अपने को गद्दे लगते हैं तो उसको भी गद्दे लगते हैं, तो गद्दे से आराम से वो सो पाएगा, बैठ पाएगा। ऐसा नुकसान क्या होता है, जैसे हम टाया के पत्थर लगा होता है या कच्ची जगह होती है, पशु को क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ऐसी आती है कि बारिश के दिनों में या फिर पानी गिरने के कारण वो स्लिप हो जाता है, उसके खुर रहते हैं वो स्लिप हो जाते हैं और गिरते, और गिरने के कारण उसका वजन ज़्यादा रहता है, भारी रहता है, तो वो पूरा मोड़ जाता है, टूटता है वो, उसका पेट टूटता है, तो इसके कारण ये रहता है, तो इसके कारण वो पशु एकदम आराम रहता है, सेफ रहता है उसको। दूध में जैसे बोला कि दूध ज़्यादा देती है, वो कैसे, मतलब ये मैट में ऐसा क्या जो दूध देती है? क्योंकि गाय जब खाली नीचे बैठती है तो वो जुगाली अच्छा करती है, रवंद करती है, अगर वो बैठेगी नहीं तो वो जुगाली नहीं करेगी, तो जितना ज़्यादा गाय बैठेगी खाने के बाद में तो वो जुगाली करेगी और फिर उसमें डाइजेशन सिस्टम जो बोलते हैं अपन, वो अच्छा हो जाएगा, तो फिर उसका दूध में बढ़ोतरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती, ये क्या नया आया है ये मार्केट में या पुराना ही है? ये मार्केट में एक्चुअली नया है, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग बेचते हैं सैदरी एग्रोवेट करके, हमारा कंपनी है, लेकिन पंजाब में सिस्टम वो थोड़ा थोड़ा ये फोम का मैट का है, तो ये मैट जल्दी से पतला हो जाता है, स्लिप हो जाता है उससे पशु, लेकिन ये मैट ज़्यादा साल तक चलता है, तो ये हमने नया इंट्रोड्यूस किया है पंजाब और हरियाणा स्टेट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुसी तस्वीर देखी है, तो ये मैट देखा कि जिस मैट पर जदों गाय या मझ जदों उन्होंने नीचे दिता जाएगा तो उसके नाल उन्होंने कंफर्ट मिलेगा, एक तो दुध के विच भी बढ़ोतरी होएगी, तो दुध भी जिहड़ा वो ज़्यादा जिहड़ी मझ है वह देगी। तो अपडेट्स जुड़े रहो, कैमरामैन दीपक हिवा के साथ सरमजीत सिंह भल्ला, लुधियाना टाइम्स जगराओं।